गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से हैं। तो आ जाइए, आज सुबह का नाश्ता बनाने जा रहे हैं। आलू की सब्ज़ी, आलू हरा धनिया मिर्चे नमक की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी, बहुत बढ़िया बनती है, और गर्मा गर्म पूरी के साथ में। आज मेरा मन कर रहा था तो खाना बनाने जा रहे हैं, तो आ जाइए आप लोग भी सुबह का नाश्ता आज हमारे साथ इंशाल्लाह। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में, बनाते हैं चल करके सब्ज़ी और पूरी। उसके लिए हमने आलू ले लिए हैं, करीब 6-7 आलू ले लिए थे, थोड़े मीडियम साइज़ के थे। 6-7 आलू ले लिए, हमको काट के धो लिया है, बहुत अच्छे से धुले हैं, साफ कर लिया है। सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमने ये कुकर अपना ले लिया है। आज आप लोग ब्रेकफास्ट में हमारे यहाँ आ जाइए, पूरी की सब पूरी और आलू की सब्ज़ी विदाउट टमाटर। तो गाइस, बनाइएगा ज़रूर इस फ्लेवर की, इस टेस्ट की। हमने हमेशा आप लोगों से बोला हुआ है कि आपको हमारी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करा करिए, ज़रूर करा करिए। इंशाल्लाह एकदम डिफरेंट, एकदम यूनिक टेस्ट मिलेगा और बहुत ही डिसेंट होगा, जो आप लोगों को पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो आप लोग ज़रूर करिए, ज़रूर बनाइए, फिर कमेंट करिए, बनाने के बाद में यार बता दिया करिए कि कैसा बना है, तो अच्छा लगेगा हमको भी थोड़ा सा। तो फिर आगे हम और कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे ब्लॉग्स देने की। तो चलिए बनाते हैं अपने आलू की मेथी से बघार करके, दाना मेथी जो आता है, छोटा वाला दाना मेथी, उससे बघारेंगे सब्जी। ये देखिए गाइस, हमने उसमें तेल डाल दिया है, तेल अपने हिसाब से डालिएगा। तो गाइस, तेल अपने हिसाब से डालिएगा, हम लोग का तो अंदाज चलता है, हम लोग तो अपना ऐसे ही डाल देते हैं, एकदम परफेक्ट बनता है, एकदम सब सही होता है, कोई चीज़ ना ज़्यादा होती है ना कम होती है, कि तेल ज़्यादा हो गया, तेल कम हो गया, एकदम परफेक्ट होता है सब कुछ। इसके लिए एक हम प्लेट ले लेते हैं, उसमें चम्मच करके हम गैस पर ऐसे करके रख देते हैं। हम डायरेक्ट गैस पर अपना स्पूंस नहीं रखते हैं किसी तरह के, लोग ज़्यादातर गैस पर रख देते हैं, खाना चला रहे हैं उसी से, उसी चम्मच को फ़ौरन गैस पर रख दिया, तेल पानी जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें सब पूरे गैस पर, बाद में यार उसको समेटना पड़ता है, करना पड़ता है, पूरे गैस पे पिचर पिचर मची हुई है, पूरे गैस पे तेल ही तेल हो जाता है। ये कौन सा तरीका है? थोड़ा सा हर चीज़ को आप लोग सिस्टम से ध्यान से करिए तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और बहुत साफ़ सुथरा आपका किचन भी रहेगा, हर चीज़ रहेगी। खैर, ये देखिए गाइस, अच्छे से हमारा तेल हो रहा है। ये सरसों का तेल डाल दिया है, जिसमें हम अभी डालेंगे थोड़ा। और बताइए भाई, आप सबके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कैसा मौसम है? बारिश हो रही है कि बंद हो गई है? कौन कहाँ से है, किसके शहर में, कहाँ कैसा चल रहा है? तो आप लोग ज़रूर शेयर करा करिए, ज़रूर बताया करिए, कॉमेंट करा करिए हमको। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है, तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में। इंशाल्लाह अच्छा ही अच्छा होगा सब कुछ, अच्छे ब्लॉग्स मिलेंगे, अच्छे वीडियोस मिलेंगे आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, आप लोग साथ दीजिए इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। तो आ जाइए, देखिए हम आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं, मेथी से बघार करके बनाएंगे, और इसमें हरा धनिया डाल देंगे, सिर्फ काट करके नमक मिर्चा डाल देंगे, और इसका अपना एक इतना बेहतरीन टेस्ट होगा, तो ज़रूर बनाइएगा। हम फिर बोल रहे हैं आप लोगों से, तो गाइस ज़रूर इस टेस्ट की ज़रूर सब्ज़ी बनाइएगा। और सिर्फ पूरी, पूरी का मेरा आटा तैयार हो गूंधा रखा है, आटा हमने गूंध दिया था पहले ही। तो अभी हम आपको दोनों चीज़ें दिखाते हैं, कोई रायता नहीं, कोई चीज़ इसके साथ में दूसरी तीसरी चीज़ नहीं बनाएंगे, इसलिए कि बारिश हो रही है, ठंडा हो रहा है, रात दही लाने में भी प्रॉब्लम है, और दूसरा खाने में भी प्रॉब्लम है। आजकल तो गले की तो वाट लग जाती है यार ज़रा सी देर में, और वैसे भी आप लोगों को शायद सबको पता है कि हम बहुत भुगत करके अब उठे हैं टाइफाइड के बाद में, बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, बस ऊपर वाले की अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह ने जो करा हमारे साथ बहुत बेहतर करा, अल्लाह पाक ने हमको बेहतर सेहत, बेहतर अच्छी ज़िंदगी के साथ में, हमको अच्छी सेहत के साथ में, अपने घर में अपने हस्बैंड अपने बच्चों की लाइफ के लिए बेहतरी समझी हमको, जो आज हम फिर अपनी जगह पर अपना काम कर रहे हैं, उसका शुक्र एहसान है ऊपर वाले का, मालिक का। तो ये देखिए, हम इसमें थोड़ी सी दाना मेथी डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ी सी, मुश्किल से 6-7-8 दाने डाल दीजिएगा, 6
6-7-8 जैसी सब्जी हो आपकी, थोड़ी हो तो पाछे डालिए, 2-4 डाल दीजिए। लेकिन इसका टेस्ट लोग समझते हैं कि ये तीखी कड़वी होती है, इसका टेस्ट नहीं अच्छा आता है, लेकिन आप बघारने के बाद में, इससे बघारने के बाद में आप सब्जी को खाइएगा, ज़रूर बना करके खाइएगा, फिर कमेंट करिएगा कि सब्जी आपकी कैसी बनी थी। पूरी थोड़ी सी बनानी है कि घर में कोई है नहीं, 3 लोग हमारे घर से, 2 लोग हमारे हस्बैंड, हमारी एक बेटी गई हुई है लखनऊ और कानपुर, वो लोग सब लखनऊ कानपुर आजकल टूर पे हैं, और एक बच्चा मेरा, और हम अपने घर पे हैं, एक हमारे भाई हैं, बस 3 लोग हम लोग घर पे हैं। तो सोच रहे हैं किसी छोटे बर्तन में, छोटी वाली कढ़ाई में बना लेते हैं, कि मुश्किल से 6-7-8 पूड़ियाँ बननी होंगी, उससे ज़्यादा नहीं। बस आज मेरा मन कर रहा था कि बारिश हो रही है, मैंने 2 दिन से बहुत दिल चाह रहा था कि तबीयत ख़राब होने के बाद में, हमने एक बार भी पूरी नहीं खाई है, मेरा बहुत दिल कर रहा था, तबीयत ख़राब थी तब भी, घर में बन रही थी, अफ्तार में बनता था, तो मेरा मन करता था कि हम पूरी थोड़ी सी खाएँ। वैसे तो हम पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा, कभी भी अगर खाते हैं तो 2 से 3 पूरी खाते हैं, लेकिन तबीयत ख़राब में तो कुछ चीज़ें मना होती हैं ना, तो वही चीज़ें अच्छी लगती हैं, बस दे दो, थोड़ा सा दे दो, एक पूरी दे दो, आधी पूरी दे दो, ऐसे मांगते थे अपने बच्चों से, जैसे पता नहीं कहाँ से गिर पड़ करके आए हैं। खैर हालात अल्लाह ना करे किसी के आए भाई, अल्लाह ताला सबको बेहतर रखे, सबको अच्छा रखे, अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे माशाल्लाह से। तो देखिए गाइस, हमारे आलू ये फ्राई हो रहे हैं, बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, 2-4 बार इनको चला देंगे स्पून से, और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, मतलब अगर आप बहुत तीखा खाते हैं तो अपना उस हिसाब से बनाइए, कम खाते हैं नॉर्मल खाते हैं, हम तो नॉर्मल खाते हैं, ना कम ना ज़्यादा। और देखिए हम आपके सामने बना रहे हैं, सिर्फ इसमें नमक मिर्चा ही जाएगा, नमक मिर्चा ही पड़ेगा, वो देखिए डाल दिया है हमने, और हम बार बार तारीफ कर रहे हैं अपनी सब्जी की, यार हमको पता है ना वो क्या बनती है। मेरी बच्ची जो लखनऊ गई हुई है कानपुर, वो तो अगर उसको पता चल जाएगा तो वो तो ओ मम्मा यार, इतनी फेवरेट सब्जी है उसकी। इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल देंगे उसके गलने के लिए, ये हल्का सा, बहुत हल्का सा लथलथापन रहे, तो नमक टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, अभी तो बगैर बने हुए ये मज़ा आ रहा है। इसके लिए हमने हरा धनिया ले लिया है, धो लिया है, जिसको अब हम इसको काटने जा रहे हैं, और ये सब्जी मेरी रेडी हो गई है, इसमें 2 ले ली हैं सीटी, इसमें बस तेज़ आंच पे, तेज़ फुल फ्लेम पे ले लीजिए, 2 सीटी लगा दीजिएगा इंशाल्लाह एकदम। आलू का तो पता ही होगा कि बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आलू तो रेडी हो जाते हैं। तो गाइस थोड़ा सा बिज़ी हो गए थे, घर से फ़ोन आ गया था हमारी भाभी का, हम उनसे बात करने लग गए थे, मेरे दूसरे फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था, तो डिटेल आपको पूरी नहीं दे पाए। आटा मेरा रेडी रखा हुआ है, उसको तैयार कर लिया है, और हरा धनिया धो के काट के साफ कर ले रहे हैं तैयार। अच्छा मौसम हो रहा है, इसमें तो मन करता ही है ये सब चीज़ें खाने का ना, आप लोगों का करता है कि नहीं करता है? करता तो ज़रूर होगा, पता है कि थोड़ा सा मौसम अच्छा होता है, ठंडा होता है, काफ़ी ठंडा हो रहा है हमारे यहाँ दिल्ली में, तो करीब 22-23 टेम्परेचर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ताला इतना ही रखे, इससे ना ज़्यादा ना इससे कम। देखिए बहुत ज़्यादा बॉम्बे में तो क्या हाल है, बिल्कुल क्या मुसीबत आई हुई है, अल्लाह रहम करे अपना, केरल में, वहाँ सब जगह साउथ में, अल्लाह सबका अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे सबको, सबके ऊपर रहम, सबके ऊपर अपना। सोच रहे हैं छोटी वाली कढ़ाई में ले लेते हैं, ये एल्युमिनियम की कढ़ाई हमारी छोटी सी है, इसमें हम बना लेंगे थोड़ी सी पूड़ियाँ।
सब्जी खोल के देख लेते हैं, सब्जी हमारी गल गई है। धनिया डाल दिया जी सब्जी में, सब्जी माशाल्लाह से देख लीजिए आप। कुकर उठा के हम करके दिखा देते हैं आपको, खाने के बाद तो मजा आ जाएगी यार, मजा। लेकिन सिर्फ इसी टेस्ट की बनाइएगा। हमने पूरी बनाने की तैयारी कर ली है, उसके लिए हम अपना बेलन पटवा तैयार मेरा रखा है रेडी, सब रात का धुला साफ सुथरा साफ करके अब हम बनाने जा रहे हैं। ये क्या बताना, साफ करके जो सफाई का जिसका नेचर होगा वो सफाई करके बनाता है इंशाल्लाह। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम बताएं, हम दिखाएं, हर चीज़ हम धो धो करके करें सामने, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी जैसी आदत होती है वो वैसे ही काम करता है, किसी से कह करके नहीं कराया जा सकता है, ना किसी को देखा जा सकता है, ना किसी को ताका जा सकता है, ये भी एक सच्चाई है। तो गाइस जिसकी जैसी आदत होती है वो वैसे ही काम करता है। हम लोगों ने अपना रात में सारा दिन ही काम करके रख दिया था, ये अभी रात भर के बर्तन जो बड़े थे जिसमें ज़्यादा कुछ सामान रखा हुआ था वो अभी खाली करे हैं, तो वो सीट में है। बाकी मेरा सब धुला साफ सुथरा रखा था, उसके लिए बताने की ज़रूरत नहीं है यार, मेरे यहाँ कोई सर्वेंट अर्वेंट नहीं है, अपने आप ही सारा काम करते हैं, मेरे बच्चे करवाते हैं, हमारी हेल्प हमारे बच्चे कर देते हैं साथ में बस। और अल्लाह ताला इसके लिए हमको सेहत दे, हिम्मत दे, ताकत दे, हम ऐसे ही काम करते रहें, अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया लोगों को खिलाते रहें बना करके, अच्छे अच्छे अपने फ्रेंड्स को, अपने गाइस, अपने व्यूवर्स को, सबको हम अपने वीडियोस देते रहे। आप लोग देखिए, आप लोग एंजॉय करिए, आप लोग रेसिपीज ट्राई करिए। आपसे ना कि हम सिर्फ 8-10 पूरी से ज़्यादा नहीं बनाएंगे, उतनी ही खाई जाएगी हमारे यहाँ, सिर्फ हम 2 पूरी 3 पूरी, भाई है, भाई जो कुछ 5-6 पूरी खाने बस, जो एक मेरी बेटी है वो खाएंगी नहीं, उनको पसंद नहीं है, वो लाइक नहीं करती हैं पूरी को, तो उनके लिए रोटी बनेगी। तो हम ये अब बेल करके रख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं पूरियाँ, सारी बेलने की थोड़ी हैं, एक एक करके क्या डालेंगे इनको बेलने के बाद में, फिर इकट्ठा हम सब फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए तेल हो गया था, ये धुला साफ था, हम इसको सूखे जो कपड़े से पोछे ले रहे थे कि पानी में डालने से फिर सुखाना पड़ेगा हमको। तो ये देखिए चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, हम बना लेते हैं फटाफट पूरी। तो गाइस हमारी सारी पूरियाँ रेडी हो गई हैं, बेल ली हैं सारी एक साथ, तेल तैयार ही है, गरम है, अभी हम फटाफट इसमें निकाल लेंगे। छोटे पैन बनाना इसलिए आना है ना, इसलिए एक एक करके डालेंगे, एक साथ डालेंगे, डबल डाल दो तो फिर वो चिपकने लग जाती है और फूलती भी नहीं है, तले ऊपर हो जाती है ना, एक दूसरे पे आ जाती है तो फिर वो फूलती नहीं है। उधर ध्यान मत दीजिएगा सिंक की तरफ, अभी चाय का टाइम था, सुबह चाय वाय बन चुकी है, तो वो उसके बर्तन हैं और एक कुकर है रात का, घर है यार, किचन है, काम तो होता ही है, काम पड़ा भी रहता है, पड़ा नहीं रहता लेकिन काम होता है।
फैलावा हो जाता है थोड़ा। इसी तरह से हम अपनी सारी पूड़ियाँ निकाल लेंगे सब। अभी करते हैं, जितना आटा आपको दिखाया था उसमें हमारी सिर्फ 12 पूरी तैयार हुई हैं, हम 10 ही कह रहे थे, वो 12 बन गई हैं। चलिए खैर, अचार बुकनू, बुकनू ये एक मसाला आता है बुकनू करके, ये हमारे यहाँ यहाँ नहीं कहीं मिलेगा आप लोगों को, दिल्ली में कहीं नहीं मिलता है, ये हमारे कानपुर में ही सिर्फ मिलता है और ये हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। पूरी पराठा, आपको कोई सब्जी कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही, आप इससे भरपेट खाना खा सकते हैं, बहुत अच्छा होता है और बहुत फ़ायदे का भी होता है। तो ये देखिए, ये हमारी पूरी है, ये आलू की सब्जी है और ये अचार है और ये बुकनू है। माशाल्लाह से ये सब तैयार हो गया है, बहुत अच्छा, देखने में जितना अच्छा लग रहा है इंशाल्लाह उतने ही ये टेस्टी भी होगा, इसलिए कि हमें टेस्ट पता है, हमको अपना टेस्ट। तो चलिए गाइज, मिलते हैं, अब अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिए, अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने, आप लोग भी आ जाइए, यहाँ आ जाइए तो यहाँ खा लीजिए, वरना अपने अपने घर में सब लोग खाइए पीजिए खुश रहिए। और प्लीज़ बता ज़रूर दीजिएगा, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, जो हमारे व्यूवर्स हैं लोग लाइक करते हैं हमको, अच्छी बात है, हमें दिख रहा है, तो वो लोग लाइक शेयर करेंगे इंशाल्लाह अपनी फैमिली में, अपने चाहने वालों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।